हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। और एमएस एक्सेल के इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर फॉर्मेटिंग के कौन कौन से शॉर्टकट्स होते हैं और कस्टम फॉर्मेटिंग को एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे। ये है नंबर फॉर्मेटिंग के टॉपिक का ट्यूटोरियल लेसन नंबर 4 और वीडियो पार्ट नंबर 2। अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पिछली वीडियो में आपने एमएस एक्सेल में टेबल की बेसिक सेटिंग कैसे करते हैं और नंबर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टूल्स के बारे में सीखा था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऊपर आई बटन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो मेरे चैनल पर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 की प्लेलिस्ट है आप उस पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग के टॉपिक की पिछली वीडियो में जो था वीडियो पार्ट नंबर 1, उसमें मैंने आपको टेबल से रिलेटेड कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में बताया था और ये वाले ऑप्शंस आपको बताए थे 1 by 1 क्लिक करके, और कुछ ऑप्शन ये नीचे वाले यहाँ पर जो दिए हुए हैं ये मैंने आपको उस वीडियो में बताए थे। अब जैसे जो हमारे ये वाले ऊपर ऑप्शन दिए हुए थे इनमें से कुछ मेन ऑप्शंस की शॉर्टकट्स होती हैं, शॉर्टकट की होती हैं जिनको यहाँ पर मैंने एक टेबल के अंदर दिखाया हुआ है। अब इस टेबल में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने जो भी आपको फॉर्मेट अप्लाई करना है मैंने उनके नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर आपको शॉर्टकट की टाइप करके दिखा रखी है कि कौन सी शॉर्टकट से क्या होगा। और साइड में मैंने एक आपको ये टेबल दिखा रखी है जिसमें हमारा जो नॉर्मल डेटा है वो मैंने इस साइड लिखा हुआ है और उन्हीं को कॉपी किया हुआ है साइड में ताकि इन नंबरों को मैं एज इट इज रखूं और जो ये वाले नंबर है इनको मैं आपको फॉर्मेट अप्लाई करके दिखाऊं। तो ये वाले हमारे नॉर्मल नंबर है जिनको हम एज इट इज रखेंगे सिर्फ दिखाने के लिए, और इन वाले नंबरों पे हम अप्लाई करेंगे ये जो हमारे नंबर फॉर्मेट है शॉर्टकट से। तो जो भी हमारे ये नंबर हैं, ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, मैंने सिर्फ 1 नंबर का एग्जाम्पल लिया है। तो इसमें जो सबसे पहले हमारी शॉर्टकट होती है वो जनरल के लिए होती है, अगर आपको वैल्यूज को नॉर्मल करना है उसके लिए, और इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और ये टिल्ड वाला सिंबल यानी कि टिल्ड वाला बटन, और कीबोर्ड में जो न्यूमेरिक 1 बटन होता है उसके लेफ्ट साइड में और टैब बटन के ऊपर जो बटन दिया होता है उसको हम कहते हैं टिल्ड बटन। तो जनरल की शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये टिल्ड वाला सिंबल, लेकिन क्योंकि हमारे ये वाले नंबर सारे पहले से ही नॉर्मल हैं तो इस पे ये शॉर्टकट अप्लाई नहीं हो सकती। सबसे पहले हमको ये वाले सारे शॉर्टकट अप्लाई करने पड़ेंगे, ये नंबर फॉर्मेट हमको इन नंबरों पे अप्लाई करने पड़ेंगे, तब जाके हम जनरल वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं उनको नॉर्मल करने के लिए। तो जैसे कि हमने इस सेल पे क्लिक कर दिया और अगर आप ये टाइम वाला शॉर्टकट अप्लाई करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एट द रेट वाला सिंबल, एट द रेट का मतलब है कि आपके कीबोर्ड में जो 2 नंबर का जो न्यूमेरिक की है उसको आपने प्रेस करना है। तो जैसे ही आप इस नंबर पे क्लिक करके कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और 2 बटन दबाएंगे तो ये उसको टाइम वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, और टाइम वाले फॉर्मेट में AM PM ऑटोमेटिक ये लिखा आएगा, इसमें फिर आपको जो भी टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 1400 तो ये उसको ऑटोमेटिक 2 PM कर देगा, तो ये ऑटोमेटिक AM और PM को दोनों को कन्वर्ट करता है, जो भी आप यहाँ पर टाइप करना चाहें वो आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो नंबर है इसके ऊपर हमने डेट वाला फॉर्मेट अप्लाई करना है जैसे, तो उसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और ये हैश वाला सिंबल, हैश वाला सिंबल होता है हमारा थर्ड नंबर की के ऊपर जो 3 हमारा न्यूमेरिक की होता है कीबोर्ड में, तो कंट्रोल शिफ्ट और 3 वाला बटन प्रेस करेंगे हैश वाला तो ये आपका जो नंबर था उसको डेट वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, फिर आप यहाँ पे जो भी आप डेट टाइप करेंगे वो इसी फॉर्मेट में आएगा। उसके बाद करेंसी वाला फॉर्मेट है तो इस नंबर पे क्लिक करके जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट और कीबोर्ड में जो 4 नंबर वाला न्यूमेरिक की होता है यानी कि डॉलर वाला साइन जिसके ऊपर लिखा हुआ है तो उसको अगर आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ तो ये आपके इस नंबर को करेंसी वाले नंबर में यानी कि डॉलर का सिंबल लगाकर और उसको रिप्रेजेंट कर देगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले अगर नंबर पर क्लिक करके परसेंटेज अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और 5 वाला जो नंबर है कीबोर्ड में
या फिर जो परसेंटेज जिसके ऊपर छपा हुआ है, तो उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ये आपके इस नंबर को परसेंटेज वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले में साइंटिफिक नोटेशन में अगर आपको ये नंबर दिखाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और कीबोर्ड में 6 न्यूमेरिक जो बटन होता है उसको आपने प्रेस करना है, और जो ये वाला हमारा सिंबल होता है इसको हम कहते हैं कैरेट, CARET कैरेट। तो कंट्रोल शिफ्ट और 6 वाला अगर बटन प्रेस करेंगे जिसके ऊपर ये कैरेट का सिंबल छपा हुआ है, तो ये प्रेस करने के बाद ये आपका जो नंबर है उसको साइंटिफिक नोटेशन में दिखा देगा। अब ये जितने भी फॉर्मेट हमने अप्लाई किए हैं ये नंबरों पे यहाँ पर अप्लाई हो गए। इनको अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो आपको जनरल फॉर्मेट वाली शॉर्टकट अप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और ये टिल्ड वाला सिंबल। तो जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट और ये टिल्ड वाला सिंबल प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो ये नॉर्मल कर देगा उसको। अब यहाँ पर ये टाइम वाला क्यों ऐसे दिखा रहा है, क्योंकि आपने इसके अंदर वैल्यू लिखी हुई थी, जो आपने वो टाइम का नाम लिखा था जो भी, अगर आप यहाँ पर सिंपल 1 लिख देंगे तो ये उसको नॉर्मल कर देगा। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर फॉर्मेट शॉर्टकट के द्वारा यूज करके और अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और उसको नॉर्मल करने के लिए आप जनरल वाले फॉर्मेट का शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। अब इनमें जितने भी हमने ये सारे फॉर्मेट किए हैं इनकी सेटिंग्स को और एडवांस चेंज करने के लिए, यानी कि इनका फॉर्मेट थोड़ा और अपनी मर्जी से चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं कस्टम फॉर्मेट का। तो कस्टम फॉर्मेट क्या होता है, ये वही डायलॉग बॉक्स है, उसी डायलॉग बॉक्स में आपको ऑप्शंस मिलेंगे जो हमने पहले पिछले वीडियो में किए थे, मैं आपको एक बार और बता रहा हूं। जैसे यहां पर इसमें क्लिक करके ऑप्शंस में और यहां पर मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे तब भी वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर कस्टम फॉर्मेट होता है यहां पर सबसे लास्ट में। और अगर आप यहां पर नंबर वाले ग्रुप के साइड में जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे तब भी ये आपको वो डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा और आप कस्टम में जाके और फॉर्मेट कोड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिस सेल पे आपने कस्टम फॉर्मेट या कुछ भी अप्लाई करना है तो उस पर राइट क्लिक करके और फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे तब भी आपको ये नंबर जो फॉर्मेट वाला डायलॉग बॉक्स है वो ओपन करके दिखा देगा। और इसका शॉर्टकट मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कंट्रोल प्लस 1, यानी अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करेंगे तब भी ये आपको ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करके दिखा देगा। अब जब भी हम ये वाला नंबर फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो यहाँ पर कस्टम में अगर आप यहाँ पर साइड में जो लिस्ट है कोड्स की इनको अगर आप देखेंगे तो इनमें बहुत अलग अलग तरह के कोड्स और सिंबल लगे हुए हैं। कुछ लोग इनको अवॉइड कर देते हैं इन सभी कोड्स को, और वो सोचते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है इसलिए हम इनको यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये बिल्कुल ही आसान है अगर आपको इनके सभी सिंबल्स और जो भी ये टर्मिनेशन या हैश या कुछ भी लगा हुआ है वो अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाते हैं तो आपको ये सारे कोड अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ये सिर्फ यहाँ पर कोड अलग अलग वैसे लिखे हुए हैं अलग अलग फॉर्मेट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको ये सारे कोड करने हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी कोड क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं जब आपको ये कोड आपको ये सिंबल सभी समझ में आ जाएंगे। तो 70-80% लोगों को ये वाले कोड नहीं पता होते कि उनको कैसे यूज करना है, और इस वीडियो में मैं आपको इनके कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वाले सिंबल हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपने इन सभी कोड्स में गौर किया हो तो बीच बीच में यहाँ पर टर्मिनेशन का सिंबल लगा हुआ है, जो ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये जितने भी यहाँ पर टर्मिनेशन के सिंबल लगे हुए हैं इनका एक मीनिंग है, ये सारे सेक्शन को क्लोज करने के लिए होते हैं टर्मिनेशन, जिनको हम सेमीकोलन भी कह देते हैं। तो ये सेक्शन क्या होते हैं और इन टर्मिनेशन का क्या यूज है और इन सिंबल्स को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर, तो उसको मैं अब आपको इसमें बताऊंगा वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वहां पर कुछ सेक्शंस होते हैं और टर्मिनेशन बीच में लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको यहां पर नीचे एक कस्टम फॉर्मेटिंग का कोड जो है उसका एक एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, एक सैंपल दिखाया हुआ है, और इसमें मैंने टर्मिनेशंस को यानी कि सेमीकोलन को रेड कलर से हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पर। तो इसका क्या मतलब होता है, कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग जब भी हम करते हैं तो हमारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर हम जो भी वैल्यू लिखेंगे या तो वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या जीरो वाली वैल्यू या फिर कोई टेक्स्ट होगा। तो जो हमारा पहला सेक्शन होता है नंबर के अंदर, नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर, वो होता है पॉजिटिव नंबर वाला,
अब पॉजिटिव नंबर वाले में पॉजिटिव नंबर विदाउट डेसिमल भी हो सकता है और विद डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है। जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है नेगेटिव नंबर का। नेगेटिव नंबर में माइनस आपका कोई भी नंबर विदाउट डेसिमल भी हो सकता है और माइनस आपका कोई भी नंबर विद डेसिमल भी हो सकता है। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन होता है इसमें, ये जीरो के लिए फिक्स होता है। इसमें आप विदाउट डेसिमल वाली जीरो लिख सकते हैं या विद डेसिमल वाली, दोनों ही सेम है क्योंकि इनकी दोनों की वैल्यू जीरो है। और ये होता है हमारा सेक्शन थ्री। सेक्शन फोर जो है वो होता है टेक्स्ट वाला सेक्शन। इसके अंदर आप कोई भी जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो आप फॉर्मेटेड फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो जितने भी हमारे ये सेक्शन होते हैं उनको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि आपका जो पहला सेक्शन है पॉजिटिव नंबर का वो यहाँ पर आएगा, उसके बाद टर्मिनेशन लगता है, उसके बाद नेगेटिव नंबर वाला सेक्शन आएगा उसके बाद टर्मिनेशन, फिर जीरो वाला सेक्शन थर्ड आएगा उसके बाद टर्मिनेशन, और उसके बाद टेक्स्ट वाला सेक्शन फोर, और इसके बाद टर्मिनेशन नहीं लगता क्योंकि सेक्शन फोर जो है वो हमारा लास्ट सेक्शन है, इसलिए उसके बाद हम टर्मिनेशन नहीं लगाएंगे। तो जैसे कि ये कोड आपको दिखा रहा है कुछ कि आप जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो आपने इस पहले टर्मिनेशन से पहले लिख दी, तो ये फॉर्मेटिंग पॉजिटिव नंबर्स के लिए है। अगर आप ये पूरा कोड अप्लाई करेंगे किसी भी चीज पर, किसी भी सेल पर, तो पहले वाली जो फॉर्मेटिंग आपने कर रखी है, ये वाला स्टाइल अप्लाई कर रखा है, ये अप्लाई होगा पॉजिटिव वाले नंबरों पे, जो भी आप पॉजिटिव नंबर उस सेल के अंदर टाइप करेंगे, और ये नेगेटिव वाले नंबरों पे अप्लाई होगा, ये जीरो पे, और ऐसे ही ये टेक्स्ट पे। इसको और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ आगे। और एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि नंबर फॉर्मेटिंग का जो ये जितने भी मैं आपको पार्ट्स बता रहा हूँ या एक्सेल के जितने भी आप वीडियो देखेंगे मेरे इस चैनल पर, वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अंदर मैं आपको काफ़ी इंटरनेशनल लेवल की एडवांस और बेसिक भी, जितने बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन जितने एडवांस और इंटरनेशनल लेवल के ऑप्शंस हैं या टूल्स हैं या शॉर्टकट्स हैं वो सारी एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। तो इन वीडियोस को प्लीज़ आप पूरा ज़रूर देखिए, और जो भी लोग आपके नॉन हैं जो ऑफिस में और अलग अलग जगह पर काम करते हैं जिनका एक्सेल पर वर्क होता है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और उनको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिए। तो चलते हैं इन सेक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं वो देखने के लिए कुछ एग्जांपल में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिखा रखे हैं, और साइड में मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें आपको मैं प्रॉपर सेक्शंस दिखाऊंगा। ये एग्जांपल्स जो हैं ये सिर्फ आपको ये आइडिया देने के लिए हैं कि आप इन फॉर्मेट्स का यूज करके और किसी भी पॉजिटिव, नेगेटिव या टेक्स्ट या जीरो वाली वैल्यू को हाइड कैसे कर सकते हैं या शो कैसे कर सकते हैं। वैसे इनके यूज अलग भी हैं और भी हैं, जो मैं आने वाले नंबर फॉर्मेटिंग के टॉपिक्स के जो पार्ट्स बनाऊंगा वीडियो के उनमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल मैं इसके अंदर आपको कुछ आइडिया दे रहा हूं कि इन नंबर फॉर्मेटिंग्स का आप यूज कैसे कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को हाइड या शो करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर साइड में एक टेबल बना रखी है, और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी हमारे सेक्शन होते हैं वो चार सेक्शन होते हैं, पॉजिटिव, उसके बाद टर्मिनेशन लगाते हैं हम, फिर नेगेटिव, फिर टर्मिनेशन, फिर जीरो, फिर टर्मिनेशन, और उसके बाद टेक्स्ट। तो ये हमारे चार सेक्शन होते हैं जब भी हम नंबर फॉर्मेटिंग किसी भी नंबर पे अप्लाई करते हैं। अब इनकी वैल्यूज को शो और हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पर नीचे टेबल में दिखाया हुआ है। जैसे आपको वैल्यूज को शो करना है तो पॉजिटिव वैल्यू को शो करने के लिए हम सेक्शन जो पहला होता है उसके अंदर लिखते हैं जीरो और टर्मिनेशन। ये जीरो जो है ये उस पूरे नंबर को दिखा रहा है जो भी आपने सेल के अंदर लिखा होगा, यानी कि वो नंबर पूरा का पूरा लिखा आएगा, उसके बाद टर्मिनेशन लगा के हमने उसको सेक्शन को बंद कर दिया। उसके बाद जो ये नेगेटिव वैल्यू है इसको अगर आपने शो करना है तो उसके लिए माइनस जीरो और उसके बाद टर्मिनेशन लगाते हैं। जीरो की बजाय अगर आप 0.00 लगा देंगे तो वो आपको टू डिजिट वाला नंबर दिखाएगा, लेकिन उन एग्जाम्पल्स को मैं अगले जो वीडियो पार्ट्स हैं उनमें बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी फिलहाल हम शो हाइड वैल्यू करके एक आइडिया सीखते हैं कि हम कैसे इस फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर जो नेगेटिव वाला नंबर होता है उसको शो करने के लिए हम माइनस जीरो और टर्मिनेशन लगाते हैं। ऐसे ही जीरो में जीरो वाली वैल्यू को दिखाने के लिए जीरो और टर्मिनेशन। टेक्स्ट को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं एट द रेट वाला सिंबल कोड के अंदर। अगर आपने हाइड करना है किसी भी वैल्यू को तो उसके लिए आपको जीरो नहीं दिखानी, यानी कि जीरो इसके अंदर नहीं लिखना और सीधा सेक्शन को क्लोज करना है टर्मिनेशन से। अब यहाँ पर जीरो नहीं दिखाई तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर हाइड हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं। ऐसे ही सब में करना है, नेगेटिव वाले में भी टर्मिनेशन लगाएंगे,
कोई हमने वैल्यू नहीं दिखानी, और ऐसे ही जीरो वाले में भी टर्मिनेशन लगाएंगे, हमने कोई वैल्यू नहीं दिखानी इसके अंदर, और टेक्स्ट वाले में हमने एट द रेट वाला सिंबल नहीं लिखना अगर हमको वो वैल्यू नहीं दिखानी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पहला एग्जाम्पल है, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रखे हैं साइड में। तो पहले एग्जाम्पल में हमको पॉजिटिव वैल्यू को हाइड करना है, तो जैसे आप देख सकते हैं ये जो वैल्यूज हैं नॉर्मल वैल्यूज वाले कॉलम में, ये जो वैल्यू है मैंने सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर लिखी है, और जो भी हम फॉर्मेट कोड अप्लाई करेंगे यानी कि नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे वो इन नंबरों पे करेंगे। ये वाले जो नंबर है मैंने यहाँ से कॉपी कर रखे हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि नॉर्मल वैल्यूज पे जब हम अप्लाई करते हैं तो उन वैल्यूज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर मैं उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करूंगा, और ये नंबर ऐसे कैसे रहेंगे जो नॉर्मल वैल्यू वाले कॉलम के अंदर मैंने टाइप कर रखी है वैल्यूज। तो ये जो टेबल है इसके अंदर मैंने अलग अलग तरह की वैल्यू लिखी है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो वाली वैल्यू भी, और ये जो टेक्स्ट वाली वैल्यू है इंडिया। लेकिन आपके पास कोई भी टेबल हो सकती है जिसके ऊपर आप ये फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। टेबल में कितनी भी वैल्यू अलग अलग तरह की हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस टेबल का यूज कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ सिखाने के लिए, समझने के लिए। और इस पे हमने पॉजिटिव वैल्यू इसमें से हाइड करनी है, यानी कि जो ये 78 है इसको नहीं दिखाना। उसके लिए हम ये वाला फॉर्मेट कोड लगाएंगे। अब इस फॉर्मेट कोड को हमने कहाँ पे टाइप करना है, सबसे पहले तो हमको उन सेल्स को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप ये कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग वाला ये टॉपिक है, लेकिन कस्टम फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है आप अपनी मर्जी से कुछ सेट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं नंबर फॉर्मेटिंग वाले टॉपिक में कस्टम फॉर्मेट या कस्टम फॉर्मेटिंग। तो कस्टम फॉर्मेटिंग नंबर फॉर्मेटिंग का ही एक पार्ट है जिसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर की सेटिंग करते हैं। तो सेल्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम नंबर डायलॉग बॉक्स के कस्टम वाले उस ऑप्शन में जाएंगे जहां पर ये कोड टाइप करना है। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल 1 प्रेस करना है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। उसके बाद कस्टम में जाकर जहां पे जनरल लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट आपका जनरल होता है, कोई भी नंबर या वैल्यूज जो है वो जनरल में होगी, तो इसको आपने कट करके और यहां पर टाइप करना है। अब क्योंकि आपने पॉजिटिव नंबर को हाइड करना है, तो मैंने आपको ये साइड वाली टेबल में बताया था, जब आपको हाइड करना होता है तो आपको बिना कुछ लिख के उस सेक्शन को टर्मिनेट यानी कि बंद करना होता है। तो यहां पर हम जीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम जीरो टर्मिनेशन लगाएंगे तो ये जो 78 वाली वैल्यू पॉजिटिव है ये दिखाएगा, तो हमने ये नहीं दिखाना। तो इसके लिए हमने यहां पर टर्मिनेशन लगा दिया। उसके बाद नेगेटिव वैल्यू आपने दिखानी है, तो शो वाले में ये क्या लिखा हुआ है, माइनस जीरो और टर्मिनेशन, तो ये एज इट इज रख देंगे। यहां पर टाइप कर देंगे माइनस जीरो टर्मिनेशन, और जीरो वाली वैल्यू भी दिखानी है तो जीरो टर्मिनेशन, और टेक्स्ट वाली वैल्यू भी दिखानी है तो यहां पर एट द रेट का सिंबल। ये ऐसे टाइप करके और जब आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि इस टेबल में जो हमने एरिया सेलेक्ट किया था उसमें 78 वाला सेल जो है वो हाइड हो गया, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू इसमें हाइड होगी। अब जैसे ये सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें भी मैंने इन सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, इसमें हमको नेगेटिव वैल्यू को हाइड करना है, यानी आपके पास कोई भी टेबल हो उसमें आपको नेगेटिव वैल्यू को हाइड करना है फॉर एग्जाम्पल। तो उसके लिए आपको ये वाला कोड लगाना पड़ेगा। तो मैंने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल 1 प्रेस किया तो ये नंबर फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। उसके बाद कस्टम पे क्लिक करना है और फिर यहां पर जाकर और ये टाइप करना है कोड। तो इसमें हमने पॉजिटिव वैल्यू दिखानी है तो जीरो टर्मिनेशन लगाएंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं दिखानी तो यहां पर बिना कुछ लिखे टर्मिनेशन लगा देंगे, जीरो वैल्यू दिखानी है तो जीरो टर्मिनेशन, और उसके बाद टेक्स्ट वाली वैल्यू भी हमने दिखानी है तो उसके लिए एट द रेट का सिंबल। तो ये वाला कोड टाइप करने के बाद जब आप ओके करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू हाइड होगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे उसमें हमने जीरो वैल्यूज को हाइड करना है, जो भी आप सेल सेलेक्ट करेंगे उनमें जीरो वैल्यू गायब हो जाए। तो सबसे पहले मैंने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल 1 प्रेस किया, फिर कस्टम में जाके और यहां पर टाइप करेंगे। अब यहां पे हमने पॉजिटिव वैल्यू दिखानी है तो जीरो टर्मिनेशन लगाएंगे, नेगेटिव वैल्यू दिखानी है तो माइनस जीरो टर्मिनेशन, उसके बाद जीरो वैल्यू नहीं दिखानी तो बिना कुछ लिख के टर्मिनेशन, और टेक्स्ट दिखाना है तो उसके लिए एट द रेट का सिंबल। ये वाला अगर आप कोड लगाकर ओके करेंगे तो ये आपका जो जीरो वाली वैल्यू थी उसको हाइड कर देगा, यानी कि उसको गायब कर देगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने जैसे टेक्स्ट को हाइड करना है
तो मैंने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल वन प्रेस किया, फिर कस्टम में यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया, क्योंकि हमने पॉजिटिव वैल्यू दिखानी है तो जीरो टर्मिनेशन, नेगेटिव वैल्यू भी दिखानी है तो माइनस जीरो टर्मिनेशन, और जीरो वाली वैल्यू भी दिखानी है तो जीरो टर्मिनेशन। तो पॉजिटिव और जो नेगेटिव वैल्यू है उनमें तो माइनस का फर्क है, लेकिन पॉजिटिव और जीरो वाली वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर तो कोड में आप जीरो टर्मिनेशन और जीरो वाली जगह पे भी जीरो टर्मिनेशन लगा सकते हैं, दोनों सेम है। उसके बाद आपने टेक्स्ट को नहीं दिखाना तो इसके लिए यहाँ पर एट द रेट वाला सिंबल नहीं लगाएंगे और उसके बाद ओके। तो आपने जो भी सेल सेलेक्ट किए थे उनमें से ये टेक्स्ट वाली वैल्यू को हाइड कर देगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने ऑल वैल्यूज और टेक्स्ट सभी को हाइड करना है। तो सेल्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल वन प्रेस किया, फिर कस्टम में जाकर यहां पर हम टाइप करेंगे। अब यहां पर हमने कोई वैल्यू नहीं दिखानी तो हमने सिर्फ सेक्शन को क्लोज करना है। तो पॉजिटिव वैल्यू नहीं दिखानी, उसके सेक्शन को हमने टर्मिनेशन लगा के क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद नेगेटिव वैल्यू नहीं दिखानी, फिर टर्मिनेशन लगा दिया। जीरो वैल्यू नहीं दिखानी तो टर्मिनेशन लगा दिया, और लास्ट में हमने एट द रेट वाला सिंबल नहीं लगाया तो टेक्स्ट भी हाइड हो जाएगा। और ये टर्मिनेशन सारे लगाने के बाद ओके करेंगे तो आपके जितने भी वैल्यूज थी वो सारी हाइड हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मेट कोड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने पॉजिटिव और जीरो वाली वैल्यू को हाइड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल वन प्रेस करेंगे, उसके बाद कस्टम में जाएंगे और यहां पर टाइप करेंगे। अब हमने पॉजिटिव वैल्यू को नहीं दिखाना तो बिना कुछ लिख के टर्मिनेशन लगा देंगे। उसके बाद नेगेटिव वैल्यू आपने दिखानी है तो माइनस जीरो टर्मिनेशन, फिर आपने जीरो वैल्यू नहीं दिखानी तो बिना कुछ लिख के टर्मिनेशन, और टेक्स्ट आपने दिखाना है तो उसके लिए एट द रेट वाला सिंबल। ये वाला कोड लिख के जब ओके करेंगे आप तो देख सकते हैं इसमें 78 जो पॉजिटिव वैल्यू थी वो गायब होगी और जो जीरो वाली वैल्यू थी वो गायब होगी, यानी कि वो हाइड होगी। और फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने नेगेटिव वैल्यू और टेक्स्ट को हाइड करना है, तो हमने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल वन प्रेस करेंगे, फिर कस्टम में जाएंगे। अब हमने क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू को दिखाना है तो उसके लिए जीरो टर्मिनेशन लगाएंगे, नेगेटिव वैल्यू को नहीं दिखाना तो बिना कुछ लिखे टर्मिनेशन, जीरो वैल्यू को दिखाना है तो उसके लिए जीरो टर्मिनेशन, और उसके बाद टेक्स्ट वाली वैल्यू को नहीं दिखाना तो टेक्स्ट वाली वैल्यू को नहीं दिखाने के लिए हम एट द रेट का सिंबल यहां पर नहीं लगाएंगे और उसके बाद कर देंगे ओके। तो आप देख सकते हैं जो भी आपने सेल सेलेक्ट किए थे उनमें माइनस वाली यानी कि नेगेटिव वैल्यू और जो टेक्स्ट था वो हाइड हो गया। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। सिर्फ आपने वो चीज जो दिखानी है या नहीं दिखानी उसी का कोड वहां पर टाइप करना है, उन सेल्स को सिलेक्ट करके जिन पे आप कोई भी नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये सिर्फ एग्जांपल्स थे कुछ शो और हाइड करने के। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ एडवांस लेवल के जो ऑप्शंस हैं जिनको आप नंबर फॉर्मेटिंग से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कुछ नंबर हैं नॉर्मल नंबर, और इन पे आपने ऐसा फॉर्मेट अप्लाई करना है नंबर का कि सभी में ना आगे 5 डिजिट का मतलब ये टोटल हमारा नंबर हो जाए, और उसके अंदर अगर किसी डिजिट में कम डिजिट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 354 में यहाँ पर 2 डिजिट कम है, 23 में 3 डिजिट कम है, क्योंकि 5 डिजिट का नंबर बनाने के लिए इसमें 3 डिजिट की और जरूरत है। ऐसे ही जो 5 है इसके अंदर आपको 4 डिजिट और चाहिए। तो जब आप कई डिजिट्स का नंबर लिखना चाहते हैं और जीरो लगाना चाहते हैं उसकी जगह पे, तो उसके लिए आपको जीरो वाला कोड का यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद कंट्रोल वन प्रेस करेंगे और कस्टम में हम जाकर यहां पर टाइप करेंगे जितने डिजिट का आपने नंबर लेना है। मुझे 5 डिजिट का नंबर लेना है तो यहां पर 50 टाइप कर देंगे। तो जैसे आप ऊपर सैंपल में देख सकते हैं 354 से पहले 2 जीरो और लग गई, तो जहां पे डिजिट कम पड़ेंगे वहां पे ये जीरो लगा देगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया 00005 टाइम यहां पर जीरो लगा दी और उसके बाद ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने नंबर फॉर्मेट अप्लाई किया उससे जो भी ये नंबर थे आपके उनके डिजिट पूरे हो गए, और जिसमें पूरे नहीं थे वहां पे 00 इसने पुट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, कोई भी करेक्टर या सिंबल हमने रिपीट करना है सेल के अंदर, जहां तक हमारे कॉलम की विड्थ होती है वहां तक हमने उस सिंबल को रिपीट करना है।
तो सबसे पहले आपने कोई भी टेक्स्ट या नंबर जो भी यहाँ पर लिखा हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंट्रोल वन प्रेस करना है, फिर कस्टम में जाकर अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्योंकि हमारे इस सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है जनवरी फरवरी मार्च, तो टेक्स्ट को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं एट द रेट का सिंबल लगाते हैं। इसमें मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि आपको चारों सेक्शन की कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक सेक्शन की कोडिंग भी दिखा सकते हैं यहाँ पर। जब आप एक सेक्शन की कोडिंग लिखेंगे तो उसी उसी सेक्शन पे, यानी कि अगर आपने टेक्स्ट पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की तो वो टेक्स्ट पर ही होगी, बाकी जो फॉर्मेटिंग है वो ऐसे कैसे रहेगी। तो क्योंकि यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च ये सभी टेक्स्ट हैं तो मैंने टेक्स्ट को दिखाना है, तो उसके लिए मैंने लगा दिया एट द रेट का सिंबल। और जो भी आपने सिंबल इस टेक्स्ट के बाद फिल करके दिखाना है, रिपीट करके दिखाना है, उसको हम स्टार के बाद लिखते हैं। तो एट द रेट से आपका टेक्स्ट लिखा आएगा, उसके बाद मैंने स्टार के साथ कोई भी आप सिंबल लिख सकते हैं, मैंने परसेंटेज का सिंबल लगा दिया, तो इसका मतलब है टेक्स्ट और उसके साथ परसेंटेज का सिंबल रिपीट हो जाएगा आगे तक। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो जनवरी फरवरी लिखा हुआ था इनके सभी के आगे ये परसेंटेज का सिंबल रिपीट हो गया, और ये कहां तक रिपीट होगा, जहां तक भी आपकी कॉलम की विड्थ होगी। तो इस तरह देख सकते हैं मैंने कॉलम की विड्थ को बढ़ाया तो ये ऑटोमेटिकली उसको रिपीट करता जा रहा है। तो ये कई बार हम नंबर फॉर्मेट में दिखा देते हैं, जैसे कई पासवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर स्टार का सिंबल लगा होता है, तो अगर आप इसको यहां पर जनवरी के बाद स्टार सिंबल लगाना चाहते हैं, परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाना चाहते, तो उसके लिए आप फॉर्मेट में वापस जाकर और यहां पर दो स्टार आपको लगाने पड़ेंगे, एक स्टार तो फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए और एक स्टार क्या है सिंबल। तो जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये सब जगह स्टार लगा देगा उस सिंबल की बजाय। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि टेक्स्ट को दिखाने के लिए हमने एट द रेट का सिंबल लगाया था, स्टार होता है किसी भी सिंबल को रिपीट करने के लिए, तो उस सिंबल को आपने स्टार के बाद लगाना है। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे आप देख सकते हैं मैंने कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं और इनको हमने कंडीशन के साथ फॉर्मेटिंग करना है। तो जैसे अगर मैं चाहता हूं कि इन सभी नंबर्स में जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा हैं उसके आगे मेरिट लिखा आ जाए और वो ग्रीन कलर का हो जाए, और जिनके मार्क्स 40 से ज्यादा हैं, 40 से ज्यादा का मतलब क्या है 80 और 40 के बीच में, तो उनके ऊपर पास लिखा आ जाए, और जिनकी वैल्यू 40 से कम है उनके आगे फेल लिखा जाए और वो रेड कलर के हो जाएं, जो पास वाले हैं वो ब्लू कलर के हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमने कंडीशन अप्लाई करनी है। तो वैसे मैंने इसका जो फॉर्मेट कोड है वो नीचे यहां पर लिखा हुआ है कि पहले हम कंडीशन देते हैं, फिर उसका कलर देते हैं, फिर उसके बाद जो आपने टाइप करके दिखाना है वो लिखते हैं, फिर उसके बाद टर्मिनेशन लगा के जो भी हमने सेक्शन अप्लाई करने हैं वो। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मेट कोड को अप्लाई करने के लिए उन नंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे सभी को, उसके बाद कंट्रोल वन प्रेस करेंगे और कस्टम में जाएंगे। अब जब भी हम कोई कंडीशन देते हैं या फिर कोई कलर देते हैं तो उसको हम लिखते हैं स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले हमको यहां पर क्या लिखना है, कंडीशन लिखनी है, तो उसको हम स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हमने लिखा ग्रेटर देन 80 और उसके बाद स्क्वेयर ब्रैकेट बंद। तो ये हमारी होगी एक कंडीशन। ये किस पे अप्लाई होगी, ये पॉजिटिव नंबर्स पे अप्लाई होगी क्योंकि आपने स्टार्टिंग में पॉजिटिव वाला जो सेक्शन होता है वो सीखा था। तो हमने यहां पर पहले कंडीशन लिख दी, उसके बाद हम जो भी आप कलर देना चाहते हैं वो कलर का नाम स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे हमने 80 से ऊपर वाले मार्क्स वाले सभी नंबरों को ग्रीन कलर में करना है तो हमने ग्रीन लिख दिया, और उन मार्क्स के पहले मेरिट लिखा हुआ दिखाना है तो यहां पर हम लिख देंगे मेरिट। जो भी हम अपने खुद से टेक्स्ट टाइप करते हैं उसको हम डबल कोमो के अंदर दिखाते हैं, तो इसलिए मैंने यहां पर दोनों साइड मेरिट के डबल कोट्स लगा दिए। अब ये जो चीज है ये कंडीशन और जो भी हम टाइप करना चाहते थे वो हमने लगा दिया, और उसके बाद हम लगाएंगे स्टार। स्टार ये बताता है कि आपकी जो वैल्यू है और ये जो कंडीशन है इनके बीच में सेपरेशन हो गया। स्टार को अभी हमने सीखा था कि ये क्या करता है, रिपीट करता है। तो जब आप स्टार के बाद स्पेस देंगे तो ये उसमें सेल में स्पेस देगा, और फिर आपने यहां पर लिख दिया जैसे जीरो टर्मिनेशन। अब इसका मतलब क्या है, ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमने कंडीशन दी, फिर उसके बाद कलर दे दिया, उसके बाद हमने लिख दिया अपनी तरफ से मेरिट। अब मेरिट और जो हमारी जीरो यानी कि वैल्यू थी उसके बीच में आ गया स्टार और स्पेस। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार वाला सिंबल लगाने के बाद कुछ भी लिखेंगे तो वो सेल के अंदर रिपीट हो जाएगा,
तो इसका मतलब ये क्या करेगा, सेल के अंदर राइट साइड में तो जीरो लिखेगा यानी कि नंबर लिखेगा और मेरिट लिखेगा लेफ्ट साइड में, और बीच में क्या करेगा स्पेस को रिपीट कर देगा। उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन देनी है, तो उसके लिए हम फिर यहां पर स्क्वेयर ब्रैकेट लिखेंगे, स्पेस दे सकते हैं आप देना चाहें तो, थोड़ा सा अलग से दिखेगा। तो हमने यहां पर कर दिया जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 40 है, ये हमने कंडीशन दे दी, तो उसका कलर आ जाए ब्लू, तो हमने यहां पर स्क्वेयर ब्रैकेट में ब्लू लिख दिया, और उसके बाद डबल कोट्स में हमने लिख दिया कि वो पास लिखा आ जाए उसके नंबरों के पहले, और उसके बाद हमने लगाया स्टार और स्पेस। स्टार स्पेस का मतलब पास के बाद स्पेस रिपीट हो जाएगा, और फिर हमने लगा दिया जीरो टर्मिनेशन, इसका मतलब है कि वो वैल्यू लिखी आएगी, यानी कि जो हमारी वैल्यू है और जो हमने ये टेक्स्ट लिखा है इसके बीच में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, क्योंकि हमने स्टार के बाद स्पेस लगाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, हम नेक्स्ट जो हमारी है वो कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि 40 से कम है जो वो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा कंडीशन के अंदर, क्योंकि 80 से ज्यादा तो सारे ग्रीन ही आएंगे, चाहे आप 1000 लिख लीजिए, और 40 और 80 के बीच में वो ब्लू आएंगे, और यहां पर जो भी आप कंडीशन देना चाहते हैं वो कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन लास्ट में, क्योंकि ये हमारी लास्ट कंडीशन है कि मार्क्स अगर आपके 40 से कम है तो वो अलग फॉर्मेटिंग में आए, तो ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर डिटेक्ट कर लेता है, तो आपको यहां पर कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। तो हम सीधा यहां पर कलर दे देंगे रेड कलर, और उसके बाद आपने क्या लिखा हुआ दिखाना है, उसके आगे फेल लिखा हुआ दिखाना है, तो हमने डबल कोमा के अंदर लिख दिया फेल, फिर उसके बाद स्टार स्पेस, यानी कि ये फेल के बाद जो है वो स्पेस रिपीट कर देगा, और फिर आपने वो आपका जो सेल में नंबर लिखा हुआ वो दिखाना है, तो जीरो टर्मिनेशन। अब इस पूरी जो फॉर्मेट कोड की इक्वेशन है इसके अंदर हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही दिखाया है, जो टर्मिनेशन हमने सेक्शन अप्लाई करने के लिए तो यूज किया है, लेकिन यहां पर ये तीन सेक्शन नहीं है, यहां पर ये पॉजिटिव वैल्यू पे ही अप्लाई कर रहा है, क्योंकि आपने कंडीशन दे रखी है। तो जब आप एक कंडीशन दे देते हैं तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू को डिटेक्ट करता है। अगर आप नेगेटिव वैल्यू पे अगर ये अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जीरो टर्मिनेशन की बजाय -0 टर्मिनेशन लिखना पड़ेगा, तो तब ये आपका नेगेटिव वैल्यूज पे अप्लाई होगा, क्योंकि हमारे पास अभी सारी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज है, और उन पे हमने ये कंडीशन अप्लाई करनी है, तो इसलिए ये सारी जो जितनी भी हमने यहाँ पे फॉर्मेट कोड में कोड दिया हुआ है ये सारा पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर अप्लाई होगा। तो जैसे ही आप ये कोड टाइप करके ओके करेंगे तो यहां पर ये आपको दिखा देगा कि जो आपका नंबर है उसके आगे सभी जो टेक्स्ट आपने टाइप किए थे वो टाइप हो गए कंडीशन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल 80 से जितने भी ज्यादा मार्क्स थे वो यहां पर ग्रीन कलर में, और उनके आगे मेरिट लिखी हुई दिखा दी इसने, और 40 और 80 के बीच में जो थे उनके आगे पास लिखा हुआ दिखा दिया, और 65 जैसे ये दिखा रहा है, या फिर ये 76 दिखा रहा है, और ऐसे ही जो आपके मार्क्स 40 से कम थे उसमें ये आपको रेड कलर और फेल आगे लिखा हुआ दिखा रहा है। तो जैसा हमने कोड में देखा था कि स्टार के बाद आपने स्पेस दिया था और जीरो लिखी थी, जीरो का मतलब है जो भी ये आपके नंबर हैं ये सारे, और मेरिट या कुछ भी आपने जो लिखा था वो लेफ्ट साइड में लिखा आ गया, और स्टार और स्पेस जो आपने बीच में लगाया था उससे ये सारे यहां पर स्पेस जो है वो रिपीट हो गए। तो इस तरीके से आपकी कंडीशन के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। इसमें एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये नंबर है ना, सभी ये नंबर वही लिखे हुए हैं, सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरिट हो गया, ग्रीन कलर हो गया, लेकिन अगर आप फॉर्मूला बार में ऊपर देखेंगे तो आपकी जो सेल के अंदर वैल्यू थी वो एज इट इज है, यानी कि वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसका नंबर फॉर्मेटिंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि आपका जो नंबर होता है वो नंबर एज इट इज रहता है, और आप उसकी वैल्यू को दिखा सकते हैं अलग फॉर्मेट में। अगर आप इनके ऊपर से ये कंडीशन हटा के और सिंपल करना चाहते हैं जैसे पहले किया था, पहले था, तो इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करके जितने भी हमने अप्लाई किए हैं सभी को, जब जिसको भी आप करना चाहें नॉर्मल, या जिनको भी आप जनरल फॉर्मेट में करना चाहते हैं, तो या तो आप यहां से जनरल फॉर्मेट पे यहां पे क्लिक कर दीजिए, तब भी ये नॉर्मल हो जाएंगे, अब मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं, या फिर आप कीबोर्ड में जो मैंने आपको शॉर्टकट बताई थी जनरल फॉर्मेट की, कंट्रोल शिफ्ट और टिल्ड वाला सिंबल, तो किसी भी तरीके से आप इसको नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल या जितने भी मैंने पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट या कुछ भी बात समझ में नहीं आई तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट का रिप्लाई करके मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैंने आपको बताया था कि नंबर फॉर्मेटिंग के जितने भी पार्ट आ रहे हैं या एक्सेल के जितने भी वीडियोज आएंगे वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको अगर पूरा एक्सेल आ जाता है तो ऑफिस में, बैंक में या किसी भी कंपनी में काम करने में आपको आसानी होगी। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए क्योंकि इनसे उनको एक अच्छी एजुकेशन और सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और उनको एक्सेल या कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं वो आसान लगेंगे। आगे आने वाले टाइम में और भी वीडियोज आने वाली हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर फॉर्मेटिंग के जितने भी सिंबल्स हैं और उनके यूज करने के क्या क्या मेथड्स हैं उनको एग्जांपल के साथ सीखेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड ट्यूटोरियल्स प्लीज विजिट माई वेबसाइट www.bacomputerexpert.in। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर। अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन या फीडबैक है तो आप कॉमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस टाइम।